दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर घोटाले और स्कैम्स में जब्त किए गए करोड़ों रुपयों का सरकार क्या करती है? जब विजय माल्या 9000 करोड़ का स्कैम कर भारत छोड़कर भागा था तो उसके घर, बंगले, गाड़ी और प्रॉपर्टीज को सरकार ने जब्त कर लिया था और उसके बाद विजय माल्या की सभी चीजों की नीलामी करा दी गई थी और कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई थी। किसी भी घोटाले में जब्त की गई प्रॉपर्टी और पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास होता है। सरकार जब्त किए गए पैसों का इस्तेमाल देश के विकास में करती है और जब्त की गई प्रॉपर्टी को या तो नीलाम कर दिया जाता है या उस जगह पर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या स्कूल या हॉस्पिटल बना दिया जाता है।